पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। दो धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया। अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। पवित्र वेदों में अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है, और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है। इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवादकर्ता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने, और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो, आपको तो चलो यकीन हो जाता है क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देख कर मानोगे कि ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे, वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा कर रखे इन्होंने, पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नीतन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें, अब इन इंजीनियर पर करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पर। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया, इन्होंने नौमन सूत उलझा रखा है,
और ऋषि रहे झकमार, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक के सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है, यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी, तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव, वो लिखना पड़ेगा, जहाँ प्रसंग बस परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव, और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26, इसमें मूल पाठ में ये है, गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर, और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है, तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले ब, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गए, देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते हैं कबीर साहब, तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्सी पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है, ओम नाम का जाप है, पांचों यज्ञ है, नथिंग एल्स, तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि परमात्मा ने कोई तो नू क्यों जन्म ले का वह है, कोई नू को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओ, उनसे सुनो वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब आप फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है, वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचका, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं, आगे दिखाते वो
वह परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी तीन डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं आपको, वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान। अब देखो 279 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे, 270 पर आगे। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरु देव की जय हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे अपने आत्माओं। अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी ऊपर तेजो में, द्यूलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुलाहे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना आत्मा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। कून करतार शब्द स्वरूपी राम है, हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर तू प्रवर्दिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुखी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करदार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहिब ने कहा था। अपना आत्मा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, और वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़े। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के
और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना पांचवा अध्याय यजुर्वेद भाष्य में यहाँ है, पांचवें अध्याय का ये 32वां श्लोक है, 32वां। इसमें क्या लिखा है, उसीग असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो कबीर कहो, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है, रत धामा सवर ज्योति, अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़ हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा, रत धामा सत्य धाम युक्त असी माने हैं, रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं, आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोक वासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा अपनात्मा। हम आते उस प्रसंग पे, परमात्मा मिलने क्यों करे, वो कौन सा वे ऑफ वर्शिप है, परमात्मा के पाने का कौन सा मार्ग है, पूजा का कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है, और किस महापुरुष ने उस मार्ग को अपनाया है, और जिसने भगवान पाया है। आदरणीय धर्मदास साहिब ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा मिले, उनको परमात्मा ने ये मंत्र दिया, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी, और एक दिन, और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी, भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया, फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, अब भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो, अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की, तो भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपनी आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती है, जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता थे, जितना मोक्ष उनके उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर, और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए, हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा जिससे हम भक्ति युक्त हो गए, उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से, तब हम वहाँ जा सकते हैं, फिर काल हमें कैच नहीं कर सकता, हम इतनी स्पीड से निकलेंगे वहाँ से, इसके सब हथियार फेल हो जाएंगे। तो वो मंत्र चाहिए हमने, तो वो मंत्र कौन सा है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वही 2 अक्षर का मंत्र जाप किया, और फिर सार नाम आदि नाम जिसको तीसरा नाम कहते हैं, वो सार नाम दिया। लेकिन इन सब को नाम देकर के परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, अरे सतनाम को किसी को मत देना, तुम अपने खुद जाप करना। किन किन को बताया था 2 अक्षर का मंत्र, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और इनसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना,
नहीं तो ये काल के दूत इन्हीं मंत्रों को देना शुरू कर देंगे। और ये अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि इनका सिर पैर नहीं कहीं से, ये अधिकारी नहीं है। और अनधिकारी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो गया तो अभी काम नहीं करें। तो कौन कौन से मंत्र थे वो? पहले तो इस काल के ग्रुप की ही प्रमाण दिखाते हैं, इस राधा स्वामी पंथ से वो उन्होंने क्या प्रमाण दिया है। एक पुस्तक है संत मत भाग चार, और ये किसके वचनों का संग्रह है? श्री सावन सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा व्यास के वहाँ के संस्थापक हैं श्री बाबा जयमल सिंह जी। श्री बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री खेमा मल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में डेरे की स्थापना की, और उसी से कृपाल मिशन दिल्ली के अंदर कृपाल जी भी सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और कहने का भाव ये है दास का, उस सावन सिंह जी के वचन आपको सुना दें तो इसमें इसके आधार से सच्चा सौदा सिरसा वाले का भी और जगमाल वाले का भी सारा तोड़ पाट जाएगा, भेद खुल जाएगा, और बाकी राधा स्वामी वालों का सारा का ही खेल हो जाएगा। अब देखना, ये संत मत भाग प्रकाश, ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। संत मत प्रकाश भाग चार, राधा स्वामी व्यास, ये संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाश के सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ शिवदयाल जी की तो यह वाणी है, खोलने चले सावन सिंह जी। अक्सर रूप निरक्ति चाली, छोड़ दिया विदेश बिगाना, यह संसार छर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जो ये सब संसार बना है सब इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इन माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन में नाहे, आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340। इसका अर्थ क्या किया है कि 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है, पेंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सावन सिंह बता रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे फिर बताया है, फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। 1171 पृष्ठ गुरु ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब। अब अनुवाद करते हैं श्री सावन सिंह जी, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे 2 अक्षर। और आप उत्तर दे है कि वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, और यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर दुई अक्षर भाग है, 2 अक्षर जो मिलेंगे 2 अक्षर का जाप उसका सिमरण करना है, और होएगा खसम तलेगा राख, यानी इस 2 अक्षर के सतनाम मंत्र के उपदेश देने का यदि अधिकारी होगा, खसम होगा, धनी होगा, अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा बनेगी, नहीं तो नकली तन लेकर यू ना से लेकर यू जाप किया तो यूजलेस होगा। अब क्या हुआ स्पष्ट के 2 अक्षर का भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कावे, अरे इन नकलियां के पास है वो 5 अक्षर पांचों काल के, कौन से रद्द कौन, ये देखिएगा वो 5 अक्षर इनके तो काल के
घट रामायण में तुलसी साहब हाथरस वाले की भाग एक वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से वर्क्स इलाहाबाद से छपा। घटरावण भाग एक तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई दो यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से दो भागों में पूरा छापा गया जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहिब के दर्शन पाऊं, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम नाम जीव जब भाखा बोल के सुनाया और छठवा नाम गुप्त कर रखा, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये काल ने यूं पांच बखानी, धोखा देने के लिए पांच नाम बोले, जीव नाम निज कह बिचारी जान बूझ दानी जख मारी। अब यू छठा नाम तो इन पांचों तो न्यारा है, यू तो इन काल के दूता तो रहे ही नहीं, छठवा छठवा। अब देखो दानी सुन विधि बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम जो है ये अलग है, सत नाम ले जीव उभारी अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। यो सत नाम तो दो अक्षर का, आदि नाम ये सार नाम है, ये सार नाम है सार शब्द आदि नाम, ये कोड वर्ड है और ऐसे ही सतनाम भी कोड वर्डों में है। सतनाम के में दो अक्षर है, एक ओम और एक तत् सांकेतिक, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ, यानी उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल इस तीन मंत्र के सिमरण तीन विधि से सिमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके लिए गीता ज्ञान दाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं। तो ओम तो ब्रह्म का सर्वपुरुष का और तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत ये सांकेतिक दोनों, ये परम अक्षर ब्रह्म का जिसको आदि नाम कहा है। अब जैसे आप फिर पढ़ेंगे इसको संत मत भाग प्रकाश 4 को प्रश्न नंबर 261 पे, ये देखिएगा अब हम यहां पढ़ रहे हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, परणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा, छोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कबीर साहब का प्रमाण दिया, कहे कबीर अक्षर दो भाग होगा खसम तलेगा राख, फिर गुरु नानक साहब जी कहते एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल, ये दो अक्षर और उसते नारा, फिर तीसरा एक अक्षर अक्षर दो अक्षर का तो सतनाम बनता है ओम प्लस में दूसरा आप जी को जिसको सतनाम प्राप्त हो उनको खूब पता है, तो ये दो मंत्र है और तीसरा सार नाम है वो आदि नाम है। अब देखो 262 पृष्ठ पे यही संत मत भाग प्रकाश 4 एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर भी वो सार नाम भी जाप करने का है, गुरुमुख यानी गुरु से लेकर उसका जाप करना है, हर ये नकली नोक है वो तो जाप करने का नहीं साधना करने का, साधना और जाप न्यारे हो से बता, ये जाप की भी साधना है मजदूरी जिसको कहते हैं अपने आत्माओं। अब वो दो अक्षर का सब नाम ना इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास यानी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं, ये आप सत्कर मान लेना, दास के एक एक वचन ऐसे होंगे जैसे रजिस्ट्री के से। अब वेद कहते इनके पढ़ने तो बात नहीं बना, एक अक्षर दो तो पाछे बता दिए, एक यू अलग से है
उसी का कल्याण होगा। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्सर आपके अंदर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को खोलने चले हैं श्री श्रावण सिंह जी। वह अक्सर आपके अंदर है और पार पर मजा कर मिल लेंगे। तेरा गजब यो देखी से आमनंद आवना आ रहे। ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिख रहा है कि यू एक अक्षर भी जाप करना जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा। और कबीर साहब कहते हैं तो कहे कबीर अक्षर दो भाक इसका जाप कर वरंत वर्तमान में मरे पाछे पार ब्रह्म में मिलेंगे। शिवदयाल को मिल गया वो की बैठा भूत बन के है तेरा के जो भाई। अच्छा आगे देखो, वह अक्षर आपके अंदर है पार ब्रह्म जाके मिलेगा। वह यह अक्षर इसके बारे में कहो आगे मिलेगा पार ब्रह्म जाके। आगे क्या बताता है, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। आठ सतनाम जाति बता दी कि सतलोक सचखंड सब कुछ यही है। अब देखो ये कहते हैं आगे शब्द के दर्जे हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम शब्द सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। इन अक्षरों को ये लिख भी रहे हैं और फिर लोगों तो पार ब्रह्म मिलेंगे उड़ा के जाके मरे पाछे। इन्होंने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये ओम तत्सत जो है ये गीता ते देख लिया और सोहम शब्द परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल फिरे, ये वाणी चोर कठोर पर सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। और पुण्यात्माओं इतने प्रमाण देखने के बाद भी जो प्राणी इन नकलियों से दूर नहीं हटेगा उसके बारे में क्या बताते हैं परमात्मा के, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के फिर उनको दोगल जोठ। यानी इतने प्रमाण देख कर भी ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी प्रभुता जताए रखने के लिए अपनी अज्ञान को छुपाए रखने के लिए तो खूब अटकलबाजी करेंगे, लेकिन इतने प्रमाण देख कर भी नहीं मानता। वो मूड मुग्ध है ठोठ, वो कति ठोठ है यानी बुद्धू है व्यक्ति। और फिर परमात्मा कहते फिर हमने उनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो यहीं तक इतनी भी समझ नहीं उसके अंदर तो कहाँ जा रहा है, काल के मुँह में इन दूता फंसा बैठा और एकदम छोड़ कर फटक कर नहीं भागता। कहते फिर संतों का नहीं काम का, उनको देवगढ़ जोट वो वहीं रहे तो अच्छा है काल के मुँह में। अपने आत्माओं अब ये दो अक्षर का नाम जो देता है वो गुरु पूरा, तो ये तो पूरे कोई ना थे राधा स्वामी आले या कोई और किसी ने देख ली जो दो अक्षर का नाम दिया होता है। पूरे विश्व में बता दो किसी ने दो अक्षर का नाम भी दे रखा होता है, इसका मतलब सारे फेल है, वो तो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। अब प्रमाण आपको दिखाते हैं किन किन महापुरुषों ने इस मंत्र का जाप किया। सबसे पहले आपको सुप्रसिद्ध संत आदरणीय नानक साहिब जी की एक झलक दिखाते हैं, और जिनको गुरु नानक साहिब जी को राधा स्वामी पंथ यानी कोई भी पंथ है वो मुक्त मानते हैं कि वो अमर हुए हैं, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी जो उन महापुरुषों ने की जो मोक्ष प्राप्त कर गए और जिनको परमात्मा आए उनको ये मंत्र दिया। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जब परमात्मा मिले इनको और उन्होंने उनको विधि बताई गुरु रूप में आए और उनको बताया कि आप ये मंत्र जाप करो इससे मोक्ष होगा, उन्होंने वो जाप किया। लेकिन उनको साथ में एक हिदायत दी थी कि इस सतनाम को किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। ये देखिएगा ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये देखिएगा।
ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, पुरानी भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पादशाह दे जीवन चरित्र समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर द्वार सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। अब इसमें दिखाते हैं आपको समंदर की साखी में 547 पृष्ठ पे, ये है समंदर दी साखी 547 पृष्ठ पे। समंदर दी साखी बाला संधु वाच, यानी बाला जी बोल रहे हैं, बाला और मर्दाना दो शिष्य थे श्री नानक साहिब जी के। बाला संधु कह रहे हैं, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी, असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना, आँखी मिटो जा आँखी मिटे, खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुंदर के ऊपर चल पड़े, उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावन, ता पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन, ता मर्दाना विचार कीता, मर्दाना विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक देव देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी किया मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं क्या सिद्ध हुआ, नानक साहिब जी ये दो अक्षर का मंत्र जाप करते थे, अब इनको हिदायत दे दी थी परमात्मा ने कि ये अभी किसी को सार्वजनिक मत करना, ना किसी को प्रदान करियो, मेरे भैया मेर करियो बच्चों। लेकिन ये तो उन दृढ़ भक्तों में से थे, जो पवित्र वेदों में लिखा है कि उन दृढ़ भक्तों को मिलता है, सच अच्छी आत्माओं को जो आदेश का पालन करते हैं। नानक साहिब जी ने यो मंत्र अपने लड़कों को भी नहीं दिया, श्री चंद और लक्ष्मी चंद को, उन्होंने एंड बैंड अपना और कोई मंत्र बना रखा है, और उन्होंने पंचला रखे न्यारे न्यारे, अन्ना पूरे सिख समाज को दिया, उन गुरु नानक साहिब जी के अतिरिक्त 9 गुरु साहिबान के पास भी ये मंत्र नहीं था। अपने आत्माओं ये नहीं था कि गुरु नानक देव जी को ही हमारे दुश्मन थे, उनको हिदायत थी कि इनको तुम ये अमृतवाणी बोल कर छोड़ दो, ये इनको पढ़ते रहेंगे धर्म पुण्य करते रहेंगे, इनका ग्लूकोज लगा दी, ग्लूकोज से रोग तो कटता नहीं लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता, जैसे कोई सर्जन है बाहर और कोई इमरजेंसी केस आ गया तो डॉक्टर से फोन पर बात करते हैं कंपाउंडर या डॉक्टर दूसरे, तो कहता है ग्लूकोज लगा दो तुम, मैं आकर ऑपरेशन करूँगा, तो तब जब तक डॉक्टर घंटे 2-4 घंटे में नहीं तक नहीं आता, इतने वो मरे को नहीं, ग्लूकोज से शरीर खराब नहीं होता, तो इन ये महात्मा पुण्यात्मा आ करके हमें एक ग्लूकोज ला के चले गए। अभी तक इन वाणियों को पढ़कर धर्म पुण्य कर करके इनके जन्म मनुष्य होते रहे,
मोक्ष तो नहीं हो सकता था इससे। अब ये ग्लूकोज ला कर छोड़ गए, अब परमात्मा ने दास भेज दिया सर्जन बना कर, ये सारा रोग काट देंगे। अब इनको दृढ़ आदेश था, ये दिखाता हूं आपको कि ये किसी को नहीं बताना। ये देखना, साखी सचखंड दी, साखी सचखंड दी, ये है 275 पृष्ठ पे, 275 पृष्ठ पे आगे साखी सचखंड दी चली। ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जीते जीते स्वरूप बैठे हैं। संपूर्ण भक्त यानी सारे भगत अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देखो इन महापुरुषों ने कितना कितना कोड वर्डों में लिख दिया कि ता गुरु नानक जी सचखंड में गए, सचखंड दरबार में गए, उस पहुंचे जहां बड़ा प्रकाश है सतलोक में, रित धामा वेदों ने कहा, और प्रकाश बड़ा प्रकाश, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं। अब पुनः आत्मा विचार करना इन महापुरुषों के कोड वर्ड कितने गजब के हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है वहां सत, क्योंकि सौ प्रकाशित है, जैसे मणि प्रकाशित अपने आप वो साकार है, और वो लोक ऐसा प्रकाशित है, और वहां उस तकत के ऊपर वो सत निरंकार यानी वो परम सत पुरुष बैठे हैं, वो प्रकाश रूप बैठे हैं, बैठे साकार बैठे हैं, निराकार का के बैठे, ये देखो। और बात हुई उनकी, उस प्रकाश प्रकाश है, अच्छा प्रकाश रूप तकत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं, जीते स्वरूप बैठे हैं, निरंकार जीते स्वरूप, जेती जेती स्वरूप बैठे हैं, ज्योति स्वरूप, यह मन थोड़ी पढ़नी यार पंजाबी, ये निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं, यानी तेजो में वो परमात्मा वहां बैठे हैं, साकार हैं मनुष्य, फिर उनकी बात होती है, बैठे हैं, फिर संपूर्ण भगत और अवतार हाथ जोड़ कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, यानी इसका प्रकाश है, तो निराकार का प्रकाश के वजह से सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य तो साकार हुआ, चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा साकार हुआ, ऐसी ही परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि वो तकत पर बैठा है, उसका प्रकाश है, इतना देख रहा प्रकाश है, जिसका चंद्रमा जितना प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके बीच प्रवेश किता, उस ज्योत रूप भगवान की स्तुति की करी, और आगे आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु विष्णु जी विराजमान हैं, और सर्व समर्थ सर्व सकृत सर्वशक्तिमान भगवंत जी के ने किया। अब देखो इस बालाजी, ये बालाजी लिख रहे हैं कि उस पर तेजो में शरीर लोक है, उसमें तेजो में ताकत है, उस तेजो में तकत के अंदर प्रकाश रूप भगवान बैठे हैं, और वो विष्णु बैठे हैं। अब पुणात्माओं, क्योंकि बाला और मर्दाना को अगर ये ज्ञान देना होता दास की जरूरत क्या थी।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह, सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, जिला कपूरथला, तहसील भलथ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखां दे घर होण करके पंजा बाणियां दा पाठ करदा सी बहुत ही लगन दे नाल। जिस तरह मैं सवेरे 3 बजे उठदा सी, उस तो बाद पहले मैं आप इशनान करदा सी, उस तो बाद फिर जड़े मैं तख्त ते बैठदा सी उस नूं भी इशनान करांदा सी, और उस तो बाद मैं सुच्चे धोते हुए बस्तर पहन के उस दे उपर तख्त ते बैठ के फिर मैं पंजा बाणिया दा पाठ करदा सी, उस तो बाद अरदास करदा सी, दिने मैं सतनाम वाहेगुरु दा जाप करदा सी, शाम नूं रहरास और अरदास करदा सी, सौन लगे फिर कीर्तन सोला अरदास करदा सी। ये मेरा कई सालां दा नितनेम सी जो मैं करदा सी। तो मेरे ख्याल बनिया कि मैं सिख होण दे करके कि साडा गुरु ग्रंथ साहिब जो ने ओ साडे गुरु ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी पढ़ना चाहिए। तो मैं फिर 4 सेंचियां 4 भाग हुंदे आ वह मैं घर लै के आया, तो मैं सारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं पढ़िया। तो उत्थों मैनू ये पता लग्या कि कोई साधु संत गुरु बनाना चाहिए है। तो फिर मैं एक गुरु बनाया जो नंगली साहब डेरा है यूपी दे विच, जिन्हां तों श्री आनंदपुर धाम डेरे भी निकले हुए ने, वो नंगली धाम तो ही एक गुरु सन जो बटाले च रह रहे सन। उन्हां दा नाम सी शब्द जोगानंद महाराज जी। उन्हां तों मैं नाम प्राप्त किया, तो वह नाम सी सोहंग शब्द। तो उस दे जपन की विधि इस तरह सी कि सो शब्द जड़ा है वो अंदर लैना और हंग शब्द जड़ा वो बाहर निकलना, उहदी ये विधि सी। वो शब्द फिर मैं बहुत ही लगन दे नाल जाप करदा हुंदा सी, उठदे बैठदे सौंदे। फिर मैं एक बार जदों एक पुस्तक पढ़ी कबीर साहब महाराज की, तो उहदे विच वो पुस्तक दे विच बाणी सी कर नैनो देदार महल में प्यारा सा। उहदे विच ये दस्या सी कि सतलोक जाण दे शब्द किहड़े ने। तो वह फिर जड़े मेरे गुरु जी सन वह महीने विच एक बार मेरे घर आउंदे सन, सत्संग करदे सन गुरुद्वारे। तो मेरे घर वह जदों आए तो मैं उन्होंने कहा जी मैं इस तरह कबीर साहब की बाणी पढ़ी है कर नैनो देदार महल में प्यारा है, तो उहदे विच ये शब्द ने कि सतलोक किस तरह जाया जा सकता, तो ये सतलोक दे शब्द मैं पढ़े है। तो उन्होंने जदों मैं ये क्वेश्चन किए तो उन्होंने अखां थले नूं कर लिया, तो मैनू कुछ नहीं दस्या। तो मैं फिर गुरु होण करके मैं उन्होंने अगों कुछ नहीं बोलिया। फिर वो मेरे घर रात रहे और चले गए। फिर वो महीने बाद आए तो फिर मैं उन्होंने उही कहा जी मैनू उही रस्ता दसो जो कबीर साहब महाराज ने दसिया हैगा ये सत लोग जाणदा। तो उन्होंने फिर थले नूं ध्यान कर लिया, तो वह फिर मेरे को रात रह के चले गए। और मैं फिर परमात्मा नूं साक्षात करके अरदास कीती, बेनती कीती कि परमात्मा ये रस्ते बारे हुण मैनू तुसी दसो जे तुसी ये दस्या। तो वह फिर परमात्मा ने मैनू इस चीज़ की आवाज़ दिती आत्मा दे विच कि नैट ते इस चीज़ की खोज करो। फिर मैं नैट ते ये चीज़ की खोज करनी शुरू कीती। तो धार्मिक लिटरेचर तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़िया होया सी, सत्संग भी मैं बहुत ज़्यादा महापुरखों के सुने हुए सन। तो फिर मैं नैट ते जदों सत्संग सुने बहुत ज़्यादा महापुरखों के, तो एक दिन जदों कृपा हुई तो मैं नैट चालू किया, तो संत रामपाल जी महाराज जड़े सी वो सत्संग कर रहे सन। तो वो ये दस रहे सन कि केड़े संत केड़े केड़े नाम दे रहे ने, राधा स्वामी वाले संत केड़े नाम दे रहे ने, बापू आसा राम केड़े नाम दे रहे हैं। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए, और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी, या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी, वो आपको जानकारी कैसे मिली?
हाँ वो फिर मैं जदों नैट पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिया तो मैं पता लग गया कि मैं वो पहले भी पुस्तक पढ़ी सी कबीर साहब की। और फिर मैं जो सत्संग सुनिया तो गुरु जी ये दस रहे सन कि राधा स्वामी वाले किहड़ा नाम दे रहे ने, सिधासू जी किहड़ा नाम दे रहे ने, बापू आसा राम जी किहड़ा नाम दे रहे ने। हाँ तो वह संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे सन तो वो दस रहे सन कि ये जो नाम जाप किया गुरु नानक देव जी महाराज ने, कबीर साहब ने, और भी बहुत ज़्यादा जो भगत हुए है, तो उही नाम बारे मैं पढ़िया सी कबीर साहब की बाणी दे विचों। तो जो मैं वो सुनिया तो मेरे आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि यही गुरु जो है संत रामपाल जी पूर्ण गुरु ने। तो फिर मैं वो फोन नैट तो लै के तो मैं फोन किया तो मैं पूछया भी मैं ये नाम लेना चाहना संत रामपाल जी महाराज जी तो मैं फिर बरवाले पहुँच गया संत रामपाल जी के आश्रम। तो उत्थे जाके मैं फिर 24/9/1911 प्रथम नाम प्राप्त किया। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ बिल्कुल, मेरी खोज जो सी परमात्मा नू मिलन दी वो 100% जड़ी सी वो मेरी पूरी हो गई। जो शब्द मैनू प्राप्त होए वो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाप किए सी, कबीर साहब ने भी उन्हां बारे जिक्र किया सी, होर भी जड़े सुप्रीम भगत होए ने फस्ट क्लास दे उन्होंने भी वो जाप किया सी। मैनू फिर वो मंत्र प्राप्त होया जो कि ग्रंथां दे विच दस्या गया सी, ग्रंथां दे जो विच प्रमाण सन वो मैनू फिर मंत्र जड़ा सी वो प्राप्त होया। तो उस तो बाद फिर मैं दूसरा मंत्र जड़ा सी सतनाम शब्द सी वो भी मैनू प्राप्त होया। तो सतनाम शब्द दे नाल मैनू बहुत ज़्यादा लाभ होए, जिस तरह मैनू मेरा ऑपरेशन होया सी, घर दी दा भी ऑपरेशन होया सी, घर दी दे पित्ते दे विच पत्थरी सी और असी होस्पिटल गए हुए सी ते उन्हां दा ऑपरेशन होया ते मैं होस्पिटल विच ही सी अजे, तो मेरे भी पेट च बहुत गैस बन लग पई तो मैं डॉक्टर साहब नूं मिलिया तो भी मेरे गैस बहुत बन रही है पेट विच, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोलिया भी आपदे पित्ते दे विच पत्थरी है, ये ऑपरेशन कराना पएगा। तो मैनू भी फिर वो ऑपरेशन कराना पिया, पिता जो सी वो डॉक्टर साहब उन्होंने निकाल दिता। उस तो बाद फिर मेडिसन मैं यूज करता हुंदा सी, जिदा सवेरे मैं गैस की गोली लैंदा हुंदा सी, उस तो बाद फिर जो रोटी मैं खाता सी तो पाचन शक्ति मेरी खराब हो गई सी तो मैं फिर दवाई यूज करता सी। और फिर मैं एक बार बरवाला आश्रम संत रामपाल जी के आश्रम गया आया सी तो मैं गुरु जी ने बेनती की संत रामपाल जी कि महाराज जी मेरे पेट च गैस बहुत बनती है तो कृपा करो कि मेरी ये जी दवाई है ये छुड़वा दो। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बोलिया कि ठीक है परमात्मा कृपा कर देगा। तो हुण मैं कोई भी मेडिसन जड़ी है वो यूज नहीं कर रहा, परमात्मा की बहुत कृपा है। तो हाँ जी, तो उस तो बाद मैनू होर भी बहुत ज़्यादा लाभ होए। हाँ ये जदों मैं संत रामपाल जी तो नाम उपदेश नहीं सी लिया उदों मेरे ये जोड़ विच नुक्स सी अंगूठे दे ते जोड़ मेरा दर्द करता रहिंदा सी, मेडिसन भी मैं यूज की फिर भी कोई फर्क नहीं पिया। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया आया सी तो मैं संत रामपाल जी गुरु जी नूं बेनती की कि गुरु जी मेरा ये जोड़ दर्द कर रहा अंगूठे का, तो उन्होंने हिंदी विच बोलिया कि दिखाओ कौन सा अंगूठा है आपका। तो मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे दो उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। हुण 6 साल हो गए ने इसकी मैनू वो कदे भी दर्द नहीं हुई। फिर जो मैं पहले नाम नहीं सी लिया आया संत रामपाल जी महाराज तो उदों मैनू सप बहुत दिखाई देंदे हुंदे सन, मैं कोई ऐसी जगह नहीं सी छड़ी कि जिथे मैं उस वास्ते ना गया होवां, पर किसी कोलों भी वो ठीक नहीं होया। फिर मैं संत रामपाल जी नूं बेनती की गुरु जी मैनू इस तरह सप बहुत दिखाई देंदे आ, उन्होंने कहा भी परमात्मा कृपा करेगा। वो मैनू हुण वो भी कदे भी वो जो सप दिखाई देंदे सी वो कदे मैनू सप भी दिखाई नहीं दिते। फिर एक बार मेरे घरदिआं नूं हार्ट का नुक्स हो गया, मैं उन्होंने होस्पिटल लैके गया
तो डॉक्टर ने जो चैक वगैरह किया उन्होंने तो उन्होंने नाड़ी ब्लॉक से तो उन्होंने नुक्स ये कि उन्होंने सह रुकता सी दर्द होंगी सी छाती दे विच तो मैं पता सी कि इस तरह इन्हों नुक्स है तो मैं जो होस्पिटल दे विच रह रहा सी तीन दिन असी उत्थे रहे तो जो 3 बजे तो मैं जाग आ गई सवेरे तड़के टाइम दे 3 बजे तो मैं भी उही नुक्स हो रहा सी जो घरद्या कि मैं जानता सी कि घरद्या भी यह कुछ हुंदा सी फिर मैं पता लग गया कि मेरी भी नाड़ी जो है वह ब्लॉक हो गई है तो मैं उदों ही संत रामपाल जी महाराज नूं हस्पताल दे विच ही दंडवत किया तो मैं बोलिया गुरु जी 2 लाख रुपया तो मैं अपने घरद्या का देना है तो मैनू भी ये नुक्स हो गया है तो कृपा करो मैनू ये नुक्स ना होवे तो वह नुक्स जड़ा मेरा फिर उस वक्त ठीक हो गया फिर असी होस्पिटल तो घर आ गए वह नुक्स फिर भी मैनू कई दिन हुंदा रहा कि जिस तरह परमात्मा मैनू वह दिखा रहा सी कि ये नुक्स सी तुहानू तो ये असी ठीक कर दिता है तो वह नुक्स जड़ा सी मेरा 2 लाख रुपया लगना सी वह परमात्मा ने मैनू उस नुक्स तो भी बचा लिया। उस तो बाद फिर मेरा बेटा अमेरिका के लिए बाहर जाना चाहता सी असी 2 एजेंट किए कि जो कि बाहर न सी वह जा पा रहा फिर असी संत रामपाल जी महाराज की सरन में चले गए सी तो असी संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन बेनती की आश्रम के कि महाराज जी मेरा बेटा अमेरिका नहीं जा पा रहा रस्ते विचों ही वापस आ जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने बोलिया कि ठीक है परमात्मा कृपा करेगा तो फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज ने मैनू मेरे घर च दर्शन दिते और बोलिया कि आपका बेटा 15 तरीक न अमेरिका के लिए चला जाएगा तो ठीक 15 तरीक न ही उसकी फ्लैट हो गई तो वह अमेरिका के लिए चला गया। अब अमेरिका बच ही है बहुत वधिया उसका कारोबार है तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया उही संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ वह भी दिखाया उहदे विचों भी प्रमाण दिते तो वह ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे ये प्रमाणित ज्ञान है ग्रंथां दे विच ज्ञान है तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया इस नाम जाप का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी मैं भगत समाज को यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने और ये गुरु जिया का संत रामपाल जी का सत्संग सुन सत्संग सुन के ते ओ नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोग लैके जाण वाला है और 84 लाख जूनां विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी सत्संग चलता तो थल्ले एक लाइन चलती है उहदे विच फोन ने भी कित्थे कित्थे ये नाम जो है मिलता वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साढ़े नेड़े तो नेड़े केड़ा नामदान स्थान है तो तुसी नाम लैके तो ये 84 लाख जूनिया तो आत्मा नू बचा सकते हो। सत साहिब जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।